ग्रैंड फिनाले जो है वो प्रोड्यूसर चैनल और आप सब भाई बंधुओं की सहायता के बिना संभव नहीं है, तो इन सब महानुभावों के लिए, जजेस के लिए चार लाइनें पेश कर रहा हूं। है चैनल वो जो टाइम पे पेमेंट किया करे, है चैनल वो जो टाइम पे पेमेंट किया करे, प्रोड्यूसर वो है जो कलाकार को फॉरवर्ड ना किया करे, शब्दों से नहीं शोभा है एंकर की, है एंकर जो टांगों का प्रदर्शन किया करे, जज वो नहीं जीवो नहीं, जज वो नहीं जो घंटों बोलता रहे, जज वो है जो फटाक से नंबर दिया करे। ये गजल आप दोनों के लिए गुलाम अली साहब ने भेजी है, जो मैं आगे गा रहा हूं। अंदाज अपने देखते हैं सामने से वो, और ये भी देखते हैं कोई गलतियां ना हो। हंगामा है क्यों बर्बाद, गाई जो पैरोडी है, पंचिस तो नहीं डाले, कॉमेडी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बर्बाद, पैरेडी जो भी गाई है, ये चंद लाइनें आपके नूर नजर कर रहा हूं। अर्चना को हंसाना तो बहुत आसान, अर्चना को हंसाना तो फिर भी बड़ा आसान है, बात तो तब बनती है हंसता जब शेटी है, गाई जो पैरोडी है। शेट्टी साहब, हाँ जी, बड़ी हंसी आ रही ना आपको? अभी आपकी हंसी बंद कराता हूँ, बुलाता अपनी पार्टनर को। शिवीन, तुम मेरी पार्टनर क्यों नहीं बन जाती? तुम्हें पता कल रात मुझे सपना आया था, बताऊँ कौन सा? देखो मैंने देखा है जी एक सपना, सुंदर सा पार्टनर हो कोई अपना, मैं यहाँ है तू कहाँ है, मैं आई 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 आजा, मैं आई 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 आजा। अच्छे भले गाने की हमने धुन चेंज कर ली, तूने स्टेप नहीं चेंज किया, एक वर्ड दे दिया आई आई आई, खींच के लाइन बना दिया इसको। आई आई और कितना आएगी, मेरे पेट में घुस जाएगी। तो मैं क्या करूं, तुम लाइन नहीं देते। लाइन नहीं देता, आज ग्रैंड फिनाले, आज मैंने तेरे लिए दो लाइनें लिखी हैं। पर ज्यादा खुश मत हो, गाऊंगा मैं ही। अर्ज किया है रब्बा मेरे ऐसी ही लड़की किसी को ना मिल जाए, एक्टिंग इसकी इतनी गंदी है, औरतों की राहुल राह
तेरी लाइन ना टाइम पे आई, तेरी लाइन ना टाइम पे आई, किसी से अब क्या कहना। तूने की है फ्री की कमाई, तूने की है फ्री की कमाई, किसी से अब क्या कहना। चला इधर शुरू करते हैं, अरे इधर शुरू करो गाना, गाना मेरा, कोरस कोरस तेरा, ठीक है? ओके, ओके। उनके लिए लाइनें अर्ज की हैं जिन्होंने इलिमिनेशन का सबसे पहले आगाज किया, श्रीमान सुनील पाल जी। तो शेट्टी साहब, उनके लिए मैं पैरोडी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उनके लिए मार्केट में ऑलरेडी गाना मौजूद है। गाना ये है, तुम तो ठहरे परदेसी। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। वो तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। पहले एपिसोड में ही घर को चले जाओगे। बहुत अच्छा आपने कोरस गाया है। अब ये जो दूसरी लाइनें मैं चंद पेश करने जा रहा हूँ, पहले उनके लिए करी जिन्होंने इलिमिनेशन का आगाज किया, ये लाइनें उनके लिए हैं जिन्होंने इलिमिनेशन सबसे बाद वाला एक्सेप्ट किया, श्री राजीव ठाकुर जी। इनके साथ बच्ची है जो बड़ी प्यारी है, बच्ची नहीं बल्कि मैं तो इसे चलता फिरता ATM कहूँगा। अर्ज किया है, हुए कॉमेडियन बेशरम कैसे कैसे, फेमस हो गए आजकल कैसे कैसे। ठाकुर साहब गौर कीजिएगा, मरते जीते गिरते पड़ते हर फाइनल में आएगा। मरते जीते गिरते पड़ते हर फाइनल में आएगा, बच्चे की कमाई खाने वाले कब तक खाता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा। लरी साहब, मेरे ख्याल से ये आपके हैं क्योंकि इसका अपना कुछ नहीं होता, ये ले जाना बाद में। कृष्णा का गोविंदा से खून का जो नाता है, मामा की तरह ये भी सेट पे लेट आता है। कृष्णा का गोविंदा से खून का जो नाता है, मामा की तरह ये भी सेट पे लेट आता है। सेट पे लेट आता है, सेट पे लेट आता है, सेट पे लेट आता है। तू बड़ा टाइम पे आती है, तू टाइम पे आती ना, एक आध गाना तेरे को भी दे देता मैं। लहरी जी की टाइमिंग तो वैसे बड़ी भारी है, लेकिन आजकल इनको बीपी की बीमारी है। बीपी की बीमारी है, बीपी की बीमारी है। बीपी से मेरा मतलब है, बीपी नॉट ए ब्लड प्रेशर, बीपी इज काइंड ऑफ बिग पेमेंट। बिग पेमेंट, जब तक इनकी पेमेंट फंसी है इनके पंच बाहर नहीं निकल रहे हैं। वैसे तो लहरी जी की टाइमिंग बड़ी भारी है, लेकिन आजकल इनको बीपी की बीमारी है। बीपी की बीमारी है, जो भी सुरविन की टांगों के जाल में ना फंस पाएगा, और सुरिंदर की तबले की टाइमिंग से बच पाएगा। कॉमेडी सर्कस की ट्रॉफी तो वो ही घर ले जाएगा। कॉमेडी सर्कस की ट्रॉफी तो वो ही घर ले जाएगा। ट्रॉफी घर ले जाएगा, ट्रॉफी घर
तो जजेस अर्चना, कैसी लगी आपको इनकी कव्वाली? दिस इज कॉमेडी सर्कस, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक आलिशान कोई गायकी की नाइट हो रही है और उसमें हमें बेहतरीन से बेहतरीन सिंगर एंटरटेन कर रहा है. वंस अगेन कपिल, ब्रेथलेस आई फेल्ट योर ब्रेथ टेकिंग, एंड आपसे नज़र नहीं हटती आप जब गाते हैं और कॉमेडी दोनों करते हैं. लेकिन आज आपकी गायकी का वाकई में एक बहुत सही प्रदर्शन हुआ. फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. मुझे ऐसा लगा कि पंचेस थोड़े से कम थे, बट आपने अपने परफॉर्मेंस से और इवन पार्वती यू, आप दोनों ने एक समा बांध दिया, एक पूरे एक्ट को कमर्शलाइज कर दिया और ये एक्ट सडनली कम पंचेस के साथ भी एंटरटेनिंग लगा. दोस्तों एक बार जोरदार तालियां कपिल और पार्वती के लिए.